तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स क्लास अलेवेंथ आईपी तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो इसमें हमारा जो uh, पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से ये डिजिटल uh, डिजाइन में आता था लेकिन अब इसको uh, इसी के साथ मिला गया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाले चैप्टर के साथ इसको कल्प किया गया है तो आज हम इसी पे बात करेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि हमने जो इब्तदा में शुरुआत में ही एक टाइप कंप्यूटर्स के बारे में जा आप लोगों yes. को पता है कि जब हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं हम तीन तरह के कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो जब हम वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करते हैं तो तीन तरह के कंप्यूटर्स को हम क्लासीफाई करते कंप्यूटर्स कम, को तीन टाइप्स uh, करते हैं। वन डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर। एनालॉग एंड हाइब्रिड तो उसमें हम लोगों ने देखा कि डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो जीरो और वन के बगैर कुछ समझते नहीं है वो डेटा जो भी होता है इंफॉर्मेशन जो भी होता है तो जो भी कोई डेटा होता है हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें बाइनरी में डिजिटल फॉर्म uh, में तब जाके कंप्यूटर उसको स्टोर कर पाता है तब जाके कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पाता है कंप्यूटर यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है वो जीरो और वन के बगैर कुछ नहीं समझता है तो पिछली बार हम लोगों ने देखा जो रिसेंट कुछ क्लासेस हम लोगों ने अटेंड किए तो आप लोगों ने अटेंड किए तो उसमें आप लोगों ने जाना कि मुख्तलिफ नंबर सिस्टम के बारे में और उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन से नंबर सिस्टम इंसान इस, इस्तेमाल करते हैं और कौन सा नंबर सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हमने एक नंबर सिस्टम वहां पे पढ़ा दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम यानी वो नंबर सिस्टम जिसकी बेस दो डिजिट्स पे है यानी जीरो right. और वन पे है तो उसमें हम जीरो और वन के बगैर कुछ इस्तेमाल करते ही नहीं है तो वही लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है वही नंबर सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए तो तो आज हम जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में और लॉजिक गेट से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से जो ये बड़े बड़े काम कंप्यूटर करता है जो ये इतने बड़े बड़े काम हमारी डे टू डे लाइफ में आजकल हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर कि कितने काम करता है हमारा, में किन -किन हर किसी शोबे में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है लेकिन ये सारा का सारा काम कंप्यूटर जो करता है वो जीरो और वन को इस्तेमाल करके करता है तो इसमें हम चै? आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर काम कैसे होता है और कैसे कंप्यूटर जीरो और वन को इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े काम करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आप लोगों को पता है कि एक डिजिटल सर्कटरी होती है हमारा जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर मदरबोर्ड होता है हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हमने एलयू के बारे में पढ़ा यानी सीपीयू के बारे में पढ़ा हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा तो ये जो अंदर से सर्केटरी कंप्यूटर की बनी होती है सर्केटरी जो अंदर से कंप्यूटर का जो डिजाइन होता है जो कंप्यूटर की सर्किट्री होती है तो उसके कोई भी डिजिटल डिवाइस जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे हम मकान बनाते हैं और हम लोग कहते हैं कि ईट का बना हुआ वो मकान उसके लिए बेसिक यूनिट क्या है एक ईट है ठीक है तो सीर वनान्च सीर से अके मकान क्या आसान बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डिजिटल सर्कटरी है डिजिटल डिवाइस बना तो अमक बुनेदी बिल्डिंग ब्लॉक च लॉजिक गेट अमुक बुनेदी बिल्डिंग ब्लॉक चु लॉजिक गेट तो अब हम आज इसी लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे तो लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। कोई भी डिजिटल सिस्टम यानी डिजिटल डिवाइस हम उस डिवाइस को कहते हैं जो जीरो और वन को इस्तेमाल करता है कोई भी काम करने के लिए यानी डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एक्सेप्ट करता, करता है और प्रोसेस भी करता है तो लॉजिक गेट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आउटपुट ये जो गेट होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना गेट किसको कहते हैं हम लोग हम गेट फॉर एग्जाम्पल एक गेट कीपर होता है गेट कीपर हम लोग किस क्यों रखते हैं वो वहां से देखता है कि कौन आ गया क्या इसको मुझे अलाउ करना है अंदर या नहीं करना है उसमें हम उसको हमने पहले ही फीड करके रखा होता है कि आपको किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लास के बाहर एक गेट कीपर को रखता हूं वो उसको मैं बोलता हूं जो कॉपी जिसके पास कॉपी और पेन नहीं है उसको क्लास में अंदर आने नहीं देना तो जो भी कोई स्टूडेंट वहां से आएगा वो उसको चेक करेगा कॉपी है हाँ पेन है हाँ है जाओ अंदर अगर किसी के पास कॉपी और पेन नहीं है वो उसको अंदर नहीं देगा अंदर जाने नहीं देगा तो जो लॉजिक गेट है ये किसी सिग्नल को या रोकता है या अलाउ करता है को या, तो करेगा, या तो रोकेगा ये गेट है गेट का काम यही होता है किसी को रोकना या किसी को अलाउ करना ऑन द बेस ऑफ इनपुट जो इनपुट uh, उसको मिलेगा और जो प्री डिफाइन uh, उसमें ऑलरेडी uh, उसको uh, जो इंस्ट्रक्शन होती है एज पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन वो इनपुट चेक करता है बाद में किसी को अलाउ करता है या किसी को रोकता है रोकता है तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं जो हम हम डिजिटल डिवाइसेस की बात करते हैं जो हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं जो हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उसमें एक डिजिटल सर्कटरी होती है उसमें एक डिजिटल uh, सिस्टम होता है और वो डिजिटल सिस्टम किन चीजों का बना होता है अंदर से उसके बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो होते हैं लॉजिक गेट्स आप लोग अगले साल फिजिक्स में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स उसमें आप लोगों को ये चीजें पढ़ती है ये आप लोगों को वहां पर पूरा काम आ जाएंगे और आप लोगों को वहां पे बाद में नई मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो हम ख्याली तौर पढ़ते थे मैथमेटिक्स जो हम ख्याली तौर पढ़ते हैं क्या मैं, मैंने जब पढ़ा था सेमीकंडक्टर फिजिक्स इसमें ट्वेल्थ में, भी में था, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है लेकिन यहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से इन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है कोई काम करने के लिए तो लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम कोई भी डिजिटल सर्कटरी कोई भी डिजिटल सिस्टम उसकी बुनियाद जैसे एक मकान की बुनियाद ईंटों से होती है एक yes. इंसान का यूनिट एक इंसान इंसान का यूनिट क्या है सेल सेल से बना yes. इसी तरीके से जो डिजिटल सर्किट है डिजिटल डिवाइस है वो बना होता है लॉजिक गेट इसका और लॉजिक गेट क्या करता है ये किसी सिग्नल को छोड़ता है या किसी सिग्नल को रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट एक इनपुट की बुनियाद पे ये किसी सिग्नल को रोकते हैं या किसी सिग्नल को एलो करते हैं इसके बहुत सारे इनपुट्स होते हैं इनपुट के आसाथ पतन इनपुट वो इनपुट लेकर के वो अपनी कैलकुलेशन करता है उसके बाद ये एक आउटपुट लेता है मगर आउटपुट क्या है इनपुट इन इन वो भी जीरो उन, उन इनपुट्स को लेकर के वो अपनी कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन के बाद एक आउटपुट देगा यानी लॉजिक गेट जो होता है तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होता है यानी एक लॉजिक गेट जो होता है उसके बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और एक ही आउटपुट होता है तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिक जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो एक लॉजिक पे आ, 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 होती है हाँ वो उसकी बुनियाद किस पे होते एक लॉजिक पे उसकी गेट एज बुनिया लॉजिक गेट्स के तीन कस्में हैं कितने हैं तीन, तीन. बुनियादी और दीज आर द बेसिक लॉजिक गेट्स ये है तीन बेसिक लॉजिक गेट्स एक है एंड गेट एक है, gate, एक है और गेट और एक है ट ये तीन बुनियादी गेट्स है एंड गेट और उसके बाद भी बहुत सारे लॉजिक गेट्स है लेकिन बुनियाद बाकी सारे जो गेट्स लो, लो, हम लोग बनाते हैं वो इन ही तीन से बनाते हैं yes. और यही बुनियाद है हमारे डिजिटल वर्ल्ड की हमारी डिजिटल डिवाइस की हमारे डिजिटल सर्किट की, की. बुनियाद क्या है जिक गेट्स और बुनियादी लॉजिक गेट्स कौन है तीन एंड आर एंड नॉट गेट आर दी बेसिक लॉजिक गेट्स तो थ्री लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट्स तो इसके बाद आप देखिए बुलीन अलजबरा आप लोगों ने पड़ी होगी बुलीन अलजबरा हो सकता है पड़ी भी होगी नहीं भी पड़ी होगी तो so, बुलीन

लॉजिक गेट से हम बोलिंग फंक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स रिक्वायर पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक गेट जैसे हम लोगों ने बताया ना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग किस डिवाइस को कहते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है जिसमें रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है जिनमें पावर की जरूरत पड़ती है ठीक है हाँ गेट इनपुट आर ड्राइवन बाई वोल्टेज हेविंग टू नॉमिनल व्यूज जीरो वोल्ट गेटन चु वेज इन गेटन चुस इनपुट दि जोल्टेज नम जी नो पाँच वोल्ट जीरो मीज जीरो जीरो का मतलब है लॉजिक जीरो और फाइव वोल्ट का मतलब है लॉजिक वन जब हम जीरो वोल्ट सिगनल देंगे जीरो वोल्ट देट मीज अव इनपुट जीरो पांच वोल्ट दमो दैट मीन आउ आओ वन इनपुट तो इसको हम लॉजिक वन और लॉजिक लॉजिक जीरो और लॉजिक वन कहते हैं तो so, इसी तरीके से आउटपुट पे भी आ, ऐसे ही आ जाता है अगर जीरो वोल्ट आ गया तो हम लोग समझते हैं कि ये जीरो आउटपुट दे दिया इसने यानी जीरो okay. अगर फाइव वोल्ट दिया तो लॉजिक वन आ गया यानी वन हमारा आउटपुट हो गया तो so, ये थोड़ा मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया तो अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल है आप लोग को डरना नहीं इसे बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है तो यहां पर आप देखोगे वो शोर मत किया करो तो यहां पे आप लोग देखोगे इसमें हम लोग क्या करेंगे इंट्रोडक्शन देंगे और बाइनरी क्वांटिटीज एंड वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बारे में जानेंगे नंबर सिस्टम्स और बाइनरी अर्थमेटिक हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है एंड al अल्फाबेटिक हमें थोड़े पढ़ने हैं तो आप लोग यहां पे देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका डिजिटल सिस्टम्स आर कंसर्न विदिटल सिग्नल समीरा आपके वहां से शोर आ रहा है डिजिटल सिस्टम्स आर कंसर्नड विद डिजिटल सिग्नल्स

बाइनरी सिग्नल्स बाइनेरी जीरो या वन जीरो या वन तो यहाँ पे आप देखिए आप जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ऑन या ऑफ जैसे हम लोग स्विच हम लोग स्विच इस्तेमाल करते हैं आपने, जैसे ये बैटरी है हमारी यहाँ पे बैटरी लगी है ठीक है बाइनरी बिट बिट का मतलब क्या है बाइनरी डिजिट बिट बिट की फुल फॉर्म क्या है बाइनरी डिजिट मैंने बताया आप लोगों को yes, हाँ उसकी मेजरमेंट भी बताई है बाकी चीजें भी बताई है तो अब यहाँ पे हमें दो स्टेटस होती है उसकी जीरो जीरो या या वन वन देखिए यहाँ पे बैटरी लगी है और यहाँ पे एक स्विच है ये स्विच अगर स्विच ओपन है यानी स्विच कनेक्टेड नहीं है वायर के साथ ये तिस्कनेक्ट कर yes, तो इसका मतलब स्विच इज ओपन एस एस फॉर स्विच एस फॉर स्विच ठीक है एल फॉर लाइट एल फॉर लाइट अगर स्विच ओपन है यानी स्विच कनेक्टेड नहीं है ओपन ओपन मीनस जीरो जब ये ओपन है दैट मीनस लंप चमकेगा नहीं लंप में लाइट नहीं आई दैट मीनस ऑफ लंप क्या है ऑफ अब अगर हम इसको क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे इसको यहां पे कनेक्ट करेंगे इसको कनेक्ट करेंगे यहां पे हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे ठीक है तो दैट मीनस अब ये क्लोज हो गया क्लोज मीनस वन ओपन मीनस अभी ये ओपन था दैट मीनस जीरो ओपन मीनस जीरो और क्लोज मीनस अब ये क्लोज हो गया क्लोज मीनस वन जब ये क्लोज हो जाएगा जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो लंप में पावर आ जाएगा लंप विल बी ऑन लंप विल बी ऑन जो आई वो जीरो टू वन ये शुन था याद डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल सिग्नल हाँ तो यहां पे अगर स्विच ऑन यानी स्विच क्लोज्ड है दैट मीन्स तब जाके यहां पे लाइट आई अगर स्विच ओपन था स्विच कनेक्टेड नहीं था दैट मीन्स ओपन लंप क्या होगा ऑफ और अगर स्विच क्लोज था यानी स्विच यानी स्विच कनेक्टेड था ठीक है तो उस वक्त क्या हुआ On. Open को हम जीरो मानते हैं ओपन को हम जीरो मानते हैं और क्लोज को हम वन मानते हैं one तो ट्रुथ टेबल हमें क्या बताता है ऑल पॉसिबल इनपुट्स और ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हम समझने के लिए कर रहे हैं यहां पे। इसी तरीके से अब यहां पे दूसरा है यहां पे आप ये दूसरा है अब यहां पे दो स्विच है अब कितने स्विच है दो इस वाले में एक ही था इस वाले में इस yes. वाले में एक ही था जब हमने इसको ओपन रखा तो लंप में पावर नहीं आया ऑफ लंप ऑफ हो गया जब हमने इसको क्लोज किया इसके साथ कनेक्ट कर दिया क्लोज किया दैट मीन वन तो लंप क्या हो गया ऑन लेकिन अब यहां पे आप लोग देख लीजिए दूसरे डायग्राम में ये हमारी जो दूसरी डायग्राम है तो अब यहां पे दो स्विच है S1 वन एंड एस टू एस वन एस टू दो यह दो डिजिट दो, दो का है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन है नाइनरी yes, कॉम्बिनेशन कितने दो डिजिट्स के है और ये जो है अब हम यहाँ पे दो इनपुट वाले बात कर रहे हैं जो स्विच वन ठीक है वो, yes, भी, sir. वो भी वो भी सीरीज में सीरीज में है ना ये सर ये सारी चीजें आपके काम आ जाएगी आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पार्लर पढ़ना है yes, तो यहाँ yes, पे यहाँ पे आप अगर हम इसको भी ओपन रखेंगे दैट जीरो 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 पे सिग्नल नहीं आएगी यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगी नहीं आएगी लंप यानी ऑन नहीं होगा दैट मीन्स लंप इज जीरो अप ऑन नहीं होगा अब अगर हम इसको क्लोज करेंगे किसको इसको क्लोज करेंगे इसको क्लोज करेंगे हमने एस1 को तो नहीं एस1 को पहले नहीं करेंगे हम लोग पहले एस2 को करेंगे क्योंकि इसने ट्रुथ uh, टेबल जो है ना ये ट्रुथ टेबल है ये एस1 एस2 एल जहां पे लिखा है ना ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल हमें बताता है कि ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आउटपुट्स ट्रूथ तो टेबल हमें बताता है ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट्स तो यहां पे आप लोग देखो S1, S2 और L. S1 ये है ये आप लोग देखते हो ना स्क्रीन पे और yes, S2, S2 ये है ठीक है तो अब yes. इस वक्त ये भी ओपन है ये भी ओपन है दैट मीनस S1 भी जीरो है S2 भी जीरो है दैट मीनस लंप ऑन नहीं होगा लंप में कोई लंप में कोई ये नहीं आएगा लंप में कोई पावर Actually, नहीं आएगा लंप ऑन नहीं होगा तो mm -hmm. so, अब दूसरी सूरत हाल क्या है हमारे पास दूसरी जो हमारे पास यह है अब अगर हम इसको क्लोज करें इसको क्लोज करें, करेंट मीन इसको हमने कनेक्ट कर दिया दैट मीनस एस वन ओपन है अभी एस वन इज जीरो है जीरो तो एस टू को हम कनेक्ट करेंगे एस टू mm -hmm. को हम लोग क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे तो दैट मीनस वन एस वन क्या है वन एस टू है वन एस टू है वन लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं. हाँ. तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एस टू वन है इस वक्त लेकिन जीरो इंटू वन क्या हो गया जीरो आ गया यानी यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगी जाहिर है जब यहां से सिग्नल पास नहीं हुई यहां तक नहीं आई तो यहाँ यहाँ कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं मत है कोई फायदा क्योंकि यहाँ से बैटरी से सिग्नल निकल गई वो S1 तक पहुंच गई S1 वन अभी ओपन है।, है।, है तो सिग्नल अगर यहाँ हम कनेक्ट करेंगे भी लेकिन फिर भी सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुंचेगी दैट मीन जीरो जीरो इज जीरो अब अगर हम इसको क्या करें इसको हम यहाँ पे इसको हम ओपन uh, रखेंगे जीरो एस टू को जीरो रखेंगे यानी एस टू को कनेक्ट नहीं करेंगे लेकिन एस वन को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ एस वन को हम कनेक्ट करेंगे S1 को हम क्लोज uh, क्लोज करेंगे कर दिया इसको वन यानी इसके साथ कनेक्ट कर दिया दैट मीन वन एस वन वन है लेकिन एस टू को हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया दैट मीनस दैट इज जीरो वन इंटू जीरो इज अगेन जीरो यहां पे so, फिर से क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा यानी लंप ऑन नहीं होगा लंप ऑन नहीं होगा तो अब अगर हम एक काम करेंगे अब अगर हम दोनों को कनेक्ट करेंगे यहां एस वन बी वन ठीक है एस वन बी वन और एस टू बी वन वन इंटू वन क्या हो गया वन दैट मीन्स अब लंप चमकेगा अब यानी लंप ऑन होगा दैट मीन्स वन अब आउटपुट हो जाएगा तो कितने कितने पॉसिबल इनपुट्स है चार पॉसिबल इनपुट्स है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो खाली कब चला? जब दोनों क्या थे जब दोनों वन थे, वन थे। अभी मैं आप लोगों को स्विच समझा रहा हूं। कोई अब हमें उसके बाद एंड और नॉट गेट पढ़ना है। तो अब हम दूसरे स्लाइड पे चले जाते हैं यह आप लोगों ने देखा इसका ट्रुथ टेबल है ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट ठीक है कितने पॉसिबल इनपुट्स है और कितने पॉसिबल आउटपुट है ठीक है ये हमें बताता है कौन ट्रूथ टेबल ये हमें ट्रूथ टेबल बताता है तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं समझ में आ रही है ना बात अभी ये सिंपल है अब यहाँ पे अभी तक तो सीरीज में था अभी तक ये क्या था सीरीज में अब ये पार्लल में है ये पार्लल में है। अब पार्लल में अब, अब सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए एडिशन अब हम इस्तेमाल करेंगे क्या करेंगे एडिशन देखो आप अभी तक हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते थे अभी तक हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते जीरो 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 इज 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 यानी खाली उस वक्त लंप ऑन होता जब तक जब तक दोनों स्विच ओप, ओपन क्लोज नहीं होते जब दोनों स्विच हम लोगों ने क्लोज कर दिए तब जाके लंप चला अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होगी देखो क्या सूरत होगी यहाँ पे इस वक्त ये भी ये भी ओपन है और ये भी ओपन है यानी यहां पे भी कनेक्शन नहीं है यहां पे भी कनेक्शन नहीं है यानी है S2 भी जीरो है एस है yes, S1, S1 भी जीरो है और एस टू भी जीरो है अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे अब हम यहां पे दैट मीन्स जीरो प्लस जीरो इज जीरो जब जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे दैट मीन्स वहां से क्या निकलेगा जीरो बैटरी से सिग्नल निकल गई यहां तक भी पहुंच गई यहां तक भी पहुंच गई लेकिन यहां पे भी डिस्कनेक्टेड है यहां पे भी डिस्कनेक्टेड है दैट मीनस लंप तक सिग्नल नहीं आएगी लंप ऑन नहीं होगा है ना जाहिर सी बात अब yes, अब अ, 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 अगर हम दूसरा काम करेंगे अब हम S2 को कनेक्ट करेंगे S2 को क्लोज करेंगे यानी S2 क्या आ जाएगा वन वन कनेक्ट कर दिया S2 को अब S1 को अभी कनेक्ट नहीं कर दिया तो यहां पे जीरो एस वन की जगह जीरो क्योंकि अभी हमने एस वन को कनेक्टेड नहीं किया अभी हमने एस वन को क्लोज नहीं किया नहीं, नहीं। वो अभी ओपन है दैट मीन एस वन इज जीरो लेकिन एस टू को हम लोगों ने क्लोज कर दिया यहां पे वन आ जाएगा जीरो प्लस वन इज वन यहां पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा वन यानी लंप चलेगा क्यों चलेगा क्योंकि यहां पे दो रास्ते हैं चाहे यहां से पहुंचे सिग्नल चाहे यहां से पहुंचे क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते हैं हमारे पास एक रास्ता तो चल रहा है यहां से S2 वाला यहां से कनेक्ट हो रहा है यहां से यहां से यहां तक सिग्नल आ जाए क्योंकि इस वक्त ये पैरेलल में yes, sir. अभी ये सीरीज में थे सीरीज में दोनों का कनेक्ट होना जरूरी था लेकिन पैरेलल में दोनों का कनेक्ट होना जरूरी नहीं, नहीं होता तो अब अगर हम दूसरी सूरत हाल देखे यहां पे मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूं अब मैं इस वाले को कनेक्ट करता हूं इस वाले को यहां पे कनेक्ट करता हूं ये एस वन को मैं क्लोज करता हूं दैट हूँ वन तो ये यह एस टू यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है दैट है? जीरो है। वो वो वो, वो नहीं है one लेकिन सिग्नल यहां से निकलेगी यहां से, यहां से जाएगी यहां से जाएगी यहां से जाएगी यहां से जाएगी पहुंच जाएगी कहां तक लंप तक लंप फिर भी चलेगा चलेगा वन प्लस जीरो इज वन वन प्लस वन यहाँ पे वन आ जाएगा अब अगर हम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे एस वन बी वन एस वन बी वन और एस टू भी वन ठीक है आप yes, दोनों साइड से सिग्नल जाएगी तो दो यानी लंब तक पहुंच जाएगी फिर भी लंब चलेगा फिर भी लंब चलेगा चले। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके बाद वाली जो स्लाइड है ये हाइब्रिड है ये कौन सी हो गई अच्छा इसको हम पहले रब करेंगे अब तीन इनपुट वाला है अब तीन इनपुट वाला इसने रख दिया है क्या तीन थ्री इनपुट वाला अभी तक पहले एक ही था, था ना पहले वाले में एक ही था, था आप कितने हैं अब है। तीन तीन है तो उसी तरीके से एस वन एस टू एस थ्री तीन इनपुट है और लंपु हाँ उसका आउटपुट है तो यहाँ पे सीरीज में है जब तक तीनों कनेक्ट नहीं होंगे तब तक सिग्नल यहां तक नहीं आएगी यानी वन तभी आएगा जब तीनों वन होंगे यानी तीनों इनपुट्स एस वन एस टू एस थ्री को जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक सिग्नल लंप तक नहीं पहुंचे ठीक है ना यह आप लोगों को बिल्कुल अंडरस्टूड है यहां पे टू डिजिट वाला वहां पे टू इनपुट वाला था यहां पे टू इनपुट वाला था यहां सॉरी यहाँ पे टू इनपुट वाला था और यहाँ पे क्या है यहाँ पे तीन यहाँ पे टू इनपुट वाला था यहाँ पे थ्री इनपुट वाला है बस सिर्फ फर्क है और इसी तरीके से पैरल वाला भी यहाँ पे पैरल में कितने हैं तीन तीन ठीक है आप लोग दे इनको घर दे में देख लेना और इनका ट्रूथ टेबल बनाना और इनको समझना ये बहुत ही सिंपल है जैसे आप लोगों ने टू इनपुट वाले को समझ लिया उसी तरीके से आप लोगों को इसको भी समझना है ठीक है यस सर तो उसके बाद हम इनको इनका मदद लेके हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये एक हाइब्रिड है इसमें सीरीज भी है पार्लल भी है इसका भी आप एक थोड़ा कॉम्बिनेशन देखना कि कैसे होगा ठीक है इसका काम कैसे होगा ये बहुत ही सिंपल है लंप चलागुन लागू तथा तार कनेक्शन जैसे आप लोग घर में करते हो न, गस, आन, गैसे 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 ना कम लंप ऑन कम वीज ग ऑन कह ठीक शार? तो अम पता वा डायरेक्ट कथ पे तो कल हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे किनको हम लोग लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करेंगे एंड गेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और गेट को और नॉट गेट को यही हमारा असल टारगेट है और इन्हीं को समझने के लिए हमने इतनी दास्तान बताई इन्हीं इन्ही लॉजिक गेट्स को समझने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई ठीक है? है आज इतना काफी है और मत पढ़ोगे